8 मार्च को गुरुग्राम में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल महिला मैराथन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से महिलाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में जुटी हुई है। पुलिस के स्थानीय अधिकारियों से लेकर पुलिस कर्मचारी महिलाओं को गुरुग्राम मैराथन में भाग लेने के लिए जहां गांव-गांव में गली गली जाकर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैराथन में भाग लेने का पाठ पढ़ा रहे हैं, वहीं साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। सोहना सदर थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में थाना प्रभारी की मौजूदगी में इंटरनेशनल महिला मैराथन को लेकर आज प्रमोशनल दौड़ का आयोजन किया गया, जिस दौड़ का मुख्य उद्देश्य अन्य महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोजित की जाने वाली मैराथन के लिए जागरूक करना व मैराथन में भाग दिलाना था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम पुलिस कप्तान की तरफ से प्रत्येक थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा गया है कि थाना अंतर्गत आने वाले एरिया से 3000 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करवाने अनिवार्य है। वही रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं को गुरुग्राम तक लाने ले जाने उनके खाने पीने का खर्चा भी थाना प्रभारी को ही उठाना होगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम जिला में करीब 40 पुलिस थाने आते हैं और अगर एक थाना प्रभारी अपने इलाके की 3000 महिलाओं को लेकर मैराथन में जाता है तो 1.25 लाख महिलाएं मैराथन में पहुंचेंगी। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि कितने थानेदार पुलिस कप्तान के निर्देशों को अमली जामा पहनाते हैं और कितनी महिलाओं को महा मैराथन का हिस्सा बनाते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार जो एक महिलाओं की मैराथन गुड़गांव में आयोजित करवा रही है, जो एक बहुत बड़ा आयोजन है, तो उसी के लिए एक प्रमोशनल रनिंग इवेंट महिलाओं का, लड़कियों का हमने यहाँ पे आयोजित थाना सदर सोना के एरिया में आयोजित करवाया था, जिसमें सैकड़ों महिलाओं बच्चियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह इसके बारे में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि यहाँ से बढ़ चढ़ के सभी लड़कियाँ महिलाएँ इस मैराथन में भाग लेंगी। हाँ बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसके बारे में जागृत किया जाए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के अधिकारों के लिए ही एक तरह से महिलाओं के ईच फॉर इक्वल ये कंसेप्ट है, तो उसके लिए रखा गया है ये आयोजन। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और इसको सफल बनाएं। तो इनके लाने ले जाने का किस तरीका से रहेगा महिलाओं को? जी बिल्कुल, सरकार इसका जो गुड़गांव में आयोजन हो रहा है वो सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, इनको लेके जाने के लिए और घर तक वापसी और सुरक्षित लेके आने के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। तो पुलिस की क्या भागीदारी रहेगी इसमें? हाँ बिल्कुल, पुलिस भी इसमें, पुलिस की पूरी भागीदारी है, इसकी जागरूकता, इसके संबंध में सभी को जागरूक करने की जिम्मेदारी पुलिस की है और रजिस्ट्रेशन इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके करवाए जा रहे हैं। सोहना से सतीश राघव, ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।